प्रिय छात्र मित्रों, इसके पहले आपने प्रकाश के अनेक गुणधर्म सीखे हैं। प्रकाश की गति सरल रेशा में होती है, यह आपको पता है। प्रकाश की निमृति तथा उत्पत्ति जिससे होती है, उन वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज और तारे प्रकाश के प्राथमिक स्रोत हैं। नैसर्गिक स्रोत होते हुए भी मनुष्य तथा मानव ने अनेक प्रकाश स्रोतों की निमृति की है। उदाहरणार्थ बैटरी, यह एक प्रकाश स्रोत ही है। इसके साथ और भी कई प्रकाश स्रोत हैं जिसका उपयोजन आजकल किया जाता है। यह एक लेजर निर्देशक है। इसमें से एक विशिष्ट प्रकार के प्रकाश किरण बाहर आते हैं, उसे लेजर किरण कहते हैं। विश्व में अनेक पदार्थ ऐसे हैं जो प्रकाश के स्रोत नहीं हैं, लेकिन उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ने के कारण उनमें से हम प्रकाश के कुछ गुणधर्म देख सकते हैं। ऐसे पदार्थों का वर्गीकरण हम तीन प्रकारों में करते हैं। प्रथम, अपारदर्शक पदार्थ। उदाहरणतः एक कागज का गिलास। अपारदर्शक पदार्थ पर प्रकाश पड़ने से वह पूर्ण रीति से रोका जाता है, इसी कारण हम उस पदार्थ की छाया देख पाते हैं। आसपास वाले वृक्ष और उनकी छाया हम देख सकते हैं, इमारत की छाया भी हमें ज्ञात है। तो यह सभी अपारदर्शक पदार्थ तथा वस्तुएं हैं और इनकी छाया हम देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण पूर्ण रीति से इन पदार्थों के कारण रोके जाते हैं। वे किरण इन पदार्थों से परावर्तित नहीं होते, लेकिन अन्य कुछ पदार्थ हैं जिनमें से प्रकाश का कुछ हिस्सा परावर्तित होता है और कुछ प्रकाश रह जाता है, वह अनियमितता से परावर्तित होता है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन्हें अर्ध पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। उदाहरणतः प्लास्टिक का गिलास। अर्ध पारदर्शक पदार्थों पर जब प्रकाश किरण गिरती हैं, तब उनका अनियमित परावर्तन होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं अर्ध पारदर्शक होती हैं। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। उदाहरणतः हवा, जल, कांच। इनमें से प्रकाश किरण आर पार जा सकते हैं। अपारदर्शक पदार्थ अगर चकमक हो तो प्रकाश किरण उस पर पटक जाते हैं और वापस आते हैं, उसे हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम पिछले साल आपने पढ़े हैं, लेकिन अपारदर्शक पदार्थों के अनुसार पारदर्शक पदार्थ और अर्ध पारदर्शक पदार्थ, इनके कारण प्रकाश पर कौन सा परिणाम होता है या क्या परावर्तन होता है तथा क्या घटता है, यह हम देखने वाले हैं। एक कांच का गिलास लीजिए। इस गिलास पर अगर पौने गिलास पानी डाला तब पेंसिल में दो प्रकार के बदलाव हम अनुभव करेंगे। निरीक्षण करके देखा जाए तो हवा में जो पेंसिल हमें दिखती है या पानी के ऊपरी स्तर पर जो पेंसिल हमें दिखती है वह पतली दिखती है, जो पेंसिल की निचली बाजू में है वह मोटी दिखती है। पानी और हवा आपस में स्पर्श करती हैं। पानी की सतह के पास पेंसिल टूटी हुई दिखती है, ऐसा क्यों होता है? सीधी पेंसिल ही दो विभागों में मानो विभाजित हुई है। पानी में डूबा हुआ भाग और जो भाग हवा में है, इन दोनों में कुछ कोण निर्माण हुआ है, वह टूटी हुई लगती है, ऐसा क्यों? यह हम देखने वाले हैं। हम और एक कृति देखेंगे, यह कृति आप जल्दी समझ सकेंगे। एक बर्तन में हवा है और उस बर्तन में हमने एक सिक्का रखा है। धीरे धीरे अगर आपने आपका चेहरा पीछे लिया तब आप वह सिक्का नहीं देख सकेंगे। अभी इस बर्तन में धीरे धीरे सिक्का ना हिलाते हुए पानी डालिए। पानी डालने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि विशिष्ट समय पर ही वह सिक्का आपको दिखता है और सिक्के का स्थान बदला हुआ सा लगता है। यानी पहले सिर्फ हवा थी, अभी पानी है। पानी और हवा दोनों है। इसका अर्थ, हमारे पानी डालने के कारण तथा पहले प्रयोग में गिलास में पानी डालने के कारण पानी का परिणाम प्रकाश के मार्ग क्रम पर होता है। यानी प्रकाश मार्ग में बदलाव हम समझ सकते हैं। इस वीडियो में यह बदलाव दिखाया गया है। मूलगामी सिक्के से निकले हुए प्रकाश किरण सरल रूप में ही हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। अगर हमने हमारी आंखें थोड़ी पीछे ले ली तो हम सिक्का नहीं देख सकते। इसका कारण यह है कि सिक्के से निकली हुई किरणें
हमारी आंखों तक पहुंच नहीं सकती। एकाद पदार्थ अगर दिखना है तो पदार्थ से पहले निकले हुए प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचकर हमारी आंखों में नेत्र पटल यानी रेटिना पर उसकी प्रतिमा तैयार होनी जरूरी है। यदि यह क्रिया नहीं हुई तो हम सिक्का तथा अन्य वस्तुएं देख नहीं पाते, लेकिन पानी डालने के बाद वह दिखने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचने लगे, यानी प्रकाश किरणों ने अपना मार्ग बदला, प्रकाश के मार्ग का विचलन हुआ तो प्रकाश किरण झुककर हम तक पहुंची। यह क्यों हुआ यह वीडियो में हम देख पाएंगे। मूल प्रकाश मार्ग कैसा था और पानी के माध्यम से वह थोड़ा घना था। इस माध्यम से जब प्रकाश किरण बाहर आती है और हवा जो विरल माध्यम है, तब प्रकाश किरण मूल मार्ग से विचलित दिखती है। यह विचलित हुए प्रकाश किरण हमारी आंखों में पहुंचते हैं, इस कारण हमें सिक्का दिखने लगता है। अभी यह जो प्रकाश का गुणधर्म है, इसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रेक्शन कहते हैं। अप यानी अलग और वर्तन यानी आचरण, यानी प्रकाश किरण का वर्तन कैसे होता है। प्रकाश किरण सरल रेखा में जाता है यह हमें मालूम है, लेकिन यहाँ वह निजी दिशा बदलता है, यानी विचलन कैसे होता है यह हम दूसरे प्रयोग में देखने वाले हैं। एक कांच का ग्लास लिया, पौने ग्लास में पानी भरा, गिलास के ऊपरी स्तर में हवा है, यहाँ लेजर का उपयोग किया गया है। लेजर किरणें जब हम गिलास के पानी पर छोड़ते हैं तब वह पहले हवा से मार्गक्रम करती हैं, बाद में वह पानी में गिरती हैं। यहां आप यह देख सकते हैं कि हवा के माध्यम से जाते समय हवा को पानी का स्पर्श हुआ है, वहां से पानी में घुसते समय मार्ग बदल दिखाई पड़ता है, यानी मार्ग में विचलन दिखाई पड़ता है। जो मार्ग है वह थोड़ा सा मुड़कर नीचे जाते दिखाई पड़ता है। विरल माध्यम से घन माध्यम की ओर जाते समय हमें कुछ बदल दिखाई पड़ता है। घन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय प्रकाश मार्ग में बदलाव दिखाई पड़ता है। घन माध्यम को अंग्रेजी में डेंसर मीडियम कहते हैं। विरल माध्यम यानी जिनकी घनता या डेंसिटी कम होती है, अंग्रेजी में उसे रेयरर मीडियम कहते हैं।